मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपकी फिल्म रिलीज होने जा रही है, भूज के लिए कितने आप एक्साइटमेंट है और बड़ी स्टार कास्ट है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर भूज. इट्स अ हिस्टोरिकल, इट्स अ अमेजिंग मूवी एंड जैसे आपने मेंशन किया स्टारकास्ट बहुत अच्छी है. अजय देवगन सर, संजय दत्त सर, सोनाक्षी सिन्हा, यू नो द स्टारकास्ट एंड आई हैड अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद भूज एंड आर्ट डायरेक्टर अभिषेक दुधैया जी. कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है मूवी को. जैसे ट्रेलर को सबने बहुत पसंद किया, इट लुक्स वेरी ग्रैंड. सो ओनली थिंग इज वी वॉन्टेड दिस टू गेट रिलीज इन थिएटर्स एंड बट लुकिंग एट द सिचुएशंस अभी फाइनली हम इसको OTT पे रिलीज़ कर रहे हैं. सो बहुत अच्छे हमको रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन फॉर लविंग इट. एंड माई कैरेक्टर आई वुड लाइक टू से भूज में मेरा एक कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है जो आज तक मैंने प्ले नहीं किया. फर्स्ट टाइम प्लेइंग मदर्स कैरेक्टर. आई हैव अ 5 years old डॉटर. सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज कुछ डिफरेंट करने को मिला है. आई एम ऑपोजिट एमी विर्क इन द मूवी, जो पायलट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, विक्रमजीत सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो रियल कैरेक्टर था. ऑल द कैरेक्टर्स आर रियल इन भूज. सो आई एम ऑपोजिट टू हेम, मैं उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. सो लुक वाइज, एक्टिंग वाइज, ट्रीटमेंट वाइज ये कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है. इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगा मेरा कैरेक्टर. जब आपको ये फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट सुनाया गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन कि हाँ इस तरह का स्क्रिप्ट दिया? आप तो हमेशा से बोल्ड, बहुत ही अच्छी तरह से आप करते हैं, तो ये मम्मी वाला कैरेक्टर करना मतलब कितना मुश्किल रहा? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट टाइम जब मैं हमारे डायरेक्टर अभिषेक जी को मिली थी, उन्होंने ऑफकोर्स पहले हमको पूरी कहानी सुनाई गई. आई वॉज इन लव विद द स्टोरी बिकॉज इट्स अ इंडो पाकिस्तानी वॉर जो हुई थी 1971 में, उसके ऊपर है पूरी कहानी एंड मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी. एंड सेकंड, उन्होंने जब मेरे को ये कैरेक्टर ऑफर किया था, ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी कि आई डोंट नो आप ये करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, वी वुड लाइक यू टू डू दिस कैरेक्टर बट एंड ऑफ द डे ऑफकोर्स इट्स योर चॉइस. एंड फॉर मी ऑल्सो इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड लॉट ऑफ पीपल दे टोल्ड मी ऑल्सो आपके अभी सिर्फ करियर की स्टार्टिंग है, आपको अभी मदर का कैरेक्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बट आई थिंक एज एन एक्टर हमारी कोई एज, कैरेक्टर वाइज देर इज़ नो एज लिमिट एंड देर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर. एंड ऑफकोर्स मेरे को खुद भी एक वेरिएशन चाहिए थी अपने करियर में, अपने कैरेक्टर वाइज जो भी मैं फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ. सो फॉर मी इट वॉज़ वेरी नाइस दैट आई गॉट सम डिफरेंट कैरेक्टर टू प्ले. लॉट ऑफ पीपल उनको ऐसा मौका नहीं मिलता जो मेरे को मिला. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड एंड yes, then I said yes to the movie. I really wanted to be part of this movie because this movie is, of course, script-wise, it's very good. And the way they have planned to shoot also, that was also amazing. And sir, bade names, all the actors are big, all the production houses like T-Series and everyone, they are already established people. So I wanted to be part of this movie and I got the offer. And but I'm very happy I did that character. In fact, for the future also, ek do aur jo mere projects lined up hain, I'm playing very different characters in that also. So I think this is the time now I should play with my characters and mere ko variations karni chahiye apne acting career mein. And I'm really really open to play any age barrier. Mujhe us cheez se itna koi farak nahi padta. Aap mother ka character kar rahe hain ya aap ek young ladki ka character kar rahe hain. As an actor, aapko in fact you feel good and you feel satisfied that aapko kuch different karne ko mila. जैसे कि आपने कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रही है, आप अजय सर, संजय दत्त, सोनाक्षी, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? कैसा रहा सेट का माहौल, बातचीत हुई रही आपकी, क्या क्या रहा? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबके जो पोर्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, हम किसी का भी एक साथ शूट नहीं हुआ है. बट ऑफकोर्स इट्स अ वन टीम. सो आप मिलते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं एक टीम में, मे बी प्री प्रोडक्शन में आप मिलते हैं, स्टोरी रीडिंग में आप एक दूसरे को मिलते हैं. सो ऑफकोर्स ऑल आर वेरी हम्बल एंड सबने, जैसे सोनाक्षी ने उनका जो कैरेक्टर किया, शी डिड अ अमेजिंग जॉब. सो सबका कैरेक्टर डिफरेंट एंड सबका जो शूटिंग पार्ट था वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे था. मैंने जो मेरा पार्ट शूट किया है, शॉट इन मुंबई एंड आई शॉट इन गुजरात मांडवी. So it was a very nice experience, especially working with the director, because
आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर ऑल्सो, वो एक्टर से काम कैसा निकलवाते हैं. सो ही वॉज वेरी वेरी यू नो ऑनेस्ट एंड ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, उनको कौन सा शॉट कैसा चाहिए एंड उन्होंने वैसा ही वो जैसे उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया था उन्होंने सब शॉट वैसे ही लिए हैं. सो विच आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सो येस बहुत मज़ा आया सबके साथ शूट करके, बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक इट्स गोना बी गुड फॉर मी. जैसे कि आपने कहा कि आप अब स्क्रिप्ट पढ़ के कैरेक्टर को देख के आप स्क्रिप्ट लेना पसंद कर रही है, मतलब आप मतलब चूजी, मतलब कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए चाहे वो कोई भी हो. चाहे हमने देखा कि आपने इससे पहले एक नर्स का रोल किया था और अब यहाँ पर, तो मतलब कहीं ना कहीं आप कैरेक्टर फोकस हो चुकी है. यू नो हर एक्टर के करियर की जो जर्नी होती है उसमें एक टाइम आता है आपको जब लगता है ओके यू वॉन्ट टू यू नो बी सेटिस्फाइड एंड आप यू वॉन्ट टू प्ले डिफरेंट वेरिएशंस इन कैरेक्टर. जब मेरे को कसक, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने नर्स का रोल किया था, सो फॉर दैट आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर OTT एज अ बेस्ट एक्ट्रेस एंड वो कैरेक्टर मैंने बहुत जब मैंने वो कहानी भी सुनी थी, फॉर मी इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज उसमें जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था दैट वॉज फ्रॉम 25 ईयर्स ओल्ड टिल 60 ईयर्स ओल्ड एंड उसमें स्पेशली जो 60 ईयर्स ओल्ड वाली जो ब्रैकेट थी उस टाइम पे दिस गर्ल शी इज़ ऑन वेंटिलेटर एंड उस टाइम पे आप शी कैन स्पीक बट आपको पूरा जो भी एक्टिंग करनी है आपको ओनली आपके फेस के एक्सप्रेशंस के साथ ही उसको दिखाना है और आपके आंखों के एक्सप्रेशंस के साथ ही आपको पूरी एक्टिंग करनी है. सो इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एंड स्पेशली विद ऑल द प्रोस्थेटिक मेकअप व्हेन आई एम लाइक 60 इयर्स ओल्ड. सो बट मेरे को बहुत मज़ा आया करके एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ओके दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट एक्ट्रेस एंड येस आई You can say I want to be choosy, but again I want to mention आप सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है इस इंडस्ट्री में. सो आई थिंक आई बीन लकी इन दैट वे. लाइक आफ्टर हिज स्टोरी 4 आई टुक ऑलमोस्ट 2 ईयर्स ब्रेक बिकॉज मेरे को सेकेंड मूवी जो भी बॉलीवुड में मैं कर रही हूँ मेरे को एक डिफरेंट कैरेक्टर करना था, मुझे सेम कैरेक्टर दोबारा नहीं करना था. सो येस आई एम गेटिंग अ चांस नाउ. आई थिंक इवन जो मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं उसमें भी एक डिफरेंट, एवरी मूवी हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले. सो आई एम गेटिंग अ चांस नाउ सो आई फील आई एम वेरी लकी यू कैन से एंड येस एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. तो हम मान लें कि आप तापसी और विद्या बालन की राह पर चल रही है. आई डोंट नो यू कैन से उनकी राह पे चल रहे हैं. दे बोथ आर अमेजिंग एक्टर. विद्या बालन स्पेशली शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड तापसी शी इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क. अभी मैंने उनकी मूवी देखी थी हसीन दिलरुबा एंड शी इज़ डूइंग लाइक डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एवरी मूवी. सो आई वुड लाइक टू से ओके दे तापसी आई थिंक शी इज़ ऑल्सो नाउ अब जाके लोगों ने आई थिंक उसका टैलेंट को यू नो देखना शुरू किया है एंड शी इज़ गेटिंग चांस टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाला है. मे बी आई विल गेट अ चांस टू प्ले दैट और मे बी आई वॉन्ट गेट अ चांस टू प्ले दैट. बट एज एन एक्टर ये आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स माई वर्क. डजेंट मैटर मेरे को कौन सा कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है. सो आई गिव माई 100% एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ऑडियंस लव. How was the experience when you come to know that you are nominated for the Filmfare OTT? तो वो क्या रहता है, मतलब Filmfare award मिलना या nomination भी होना बहुत बड़ी बात होती है. How was the experience that time? I still remember जब मेरे को जब ये nomination आया था. I was shooting in Punjab for one of my Punjabi movie and my director called me, जो कसक के director हैं दीपक जी, उन्होंने मेरे को call किया, अरे आप nominate हुए हैं. I'm like एक्चुअली आई कॉल्ड हिम, आई से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका नाम नॉमिनेशन में आया. एंड ही वॉज लाइक अरे आप भी तो है नॉमिनेशन में. आई एम लाइक कौन से नॉमिनेशन में हूँ मैं. ही इज़ लाइक आप भी नॉमिनेशन में, फिल्म फेयर OTT के नॉमिनेशन लिस्ट में आपका नाम भी है. सो येस आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफकोर्स आई कुडंट बिलीव बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट OTT वेब सीरीज जो मैंने की थी एंड दैट वॉज अ फर्स्ट टाइम मैंने कुछ डिफरेंट भी करने की कोशिश की थी स्क्रीन के ऊपर. बट फॉर माई वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गॉट नॉमिनेटेड. सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. सो उस टाइम पर आई गॉट लॉट ऑफ कॉल्स. सो पीपल टोल्ड मी आई
what you feel you're gonna win, you're not gonna win. So for me it was like, it doesn't matter, I'm gonna win or I'm not gonna win. मेरा नाम nomination में आया, मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी achievement है, because फिल्म फिर OTT के nomination list में आना, that means आपने कुछ अच्छा किया होगा तभी आप एक nomination की list में आए हैं. So for me that was the achievement. So for me award लेना award नहीं लेना, that was a different thing, but ये nomination की आप list में आ गए हैं, that was the like achievement for me. ओके, इसके अलावा जैसे कि आप पंजाबी फिल्म आप कर रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है, वहाँ के सॉन्ग्स भी, तो क्या क्या आप प्रोजेक्ट करें पंजाबी में, कुछ आप बताइए. Punjabi industry has become very big now, and from last few years especially, they are making really good budget movies, and they are also exploring different subjects. Abhi wahan pe women oriented subjects bhi ban rahe hain. Punjab mein meri 3 movies abhi bhi release pe hain, because of COVID everything got pushed. So usme, yes, my one movie is Golgappe, and second movie is Gulam, and third movie was यू नो भूत अंकल तुसी ग्रेट हो, जिसमें फर्स्ट टाइम राज बब्बर जी एंड जया प्रदा जी, शी इज़ एक्टिंग इन पंजाबी मूवी, एंड केसी बोकाड़िया जी इज़ अ डायरेक्टर. सो माई 3 मूवीज़ आर ऑन रिलीज इन पंजाबी, एंड वी आर जस्ट वेटिंग, बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा एंड पीपल गोना गेट टू सी दैट ऑन स्क्रीन. टी सीरीज और आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा रिश्ता है, काम आपको फिल्म हिट स्टोरी अभी आप रोज सॉन्ग भी आप कर रहे हैं, थोड़ा आप कुछ कहना चाहेंगे, कौन से नए सॉन्ग आने वाले टी सीरीज के साथ, उसके बारे में कुछ आप बताइए. Yes, I am a T-Series artist. I was launched by T-Series in His Story 4, and उसके बाद मेरे अभी 2 गाने आए थे. One was बेवफा तेरा मासूम चेहरा, लोगों ने बहुत appreciate किया उसको. Before that, again I did मेरी आशिकी, लोगों ने बहुत पसंद किया. Again, there are 2 more songs coming up with T-Series, sang by Zubin Nautiyal, and I think मेरे Bollywood में जितने song हैं, everything is by Zubin Nautiyal. Even मेरा His Story में जो गाना hit हुआ था, that was also sung by Zubin Nautiyal. So I am doing 2 more songs. One is coming with Karan Mehra only, and the second one we haven't decided it yet. So I think बहुत जल्दी वो भी release हो जाएंगे. So it's going well, and I'm very very happy and very glad. I am very honored by 2 T series के उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, उन्होंने मेरे को launch किया, and उसके बाद I got a chance to play a part in Bhuj also. So I'm very happy and thank you T series. Apart from this, any upcoming project, film के बारे में, हिंदी film के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? हिंदी फिल्म में अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग 2 वेब सीरीज़ फॉर OTT, एंड आई थिंक दैट्स गोना रिलीज इन दिस ईयर ओनली. एंड फिल्म्स की अगर हम बात करें, आई हैव आर 2 मूवीज़ ऑलरेडी साइंड, बट बिकॉज ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, सो एवरी थिंग गॉट पोस्ट. सो आई थिंक वी गोना स्टार्ट शूटिंग बाई नवम्बर दिसंबर. एज सुन एज वी गो ऑन फ्लोर, आई एम गोना रिवील ऑल द डिटेल्स. ओके, वेब सीरीज की आपने बात की, तो वेब सीरीज के बारे में कुछ बताइए, क्या है वो वेब सीरीज? One web series for the Jio, it's called Inspector Avinash with Randeep Hooda, and we have almost shot half of the series, and after second wave it got on pause again. So I think we are gonna start shooting from next month for that web series. And one is Country Mafia, and the director is Shashank, and we haven't decided yet it's gonna come on which platform, but that's also very nice. And in both web series again I have different characters. In Inspector Avinash I have a different character, and in Country Mafia I have a very different character where I will be speaking Bhojpuri, and again first time, and very 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 subtle character. So we in fact did lot of training for that, so I'm excited to shoot for that also. We are shooting from next week in Banaras for that. Well, all I want to say, guys, thank you so much. आपने when I got launched in Bollywood, आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया. अभी तक मैंने जितना काम किया आप लोगों ने उसको बहुत appreciate किया, and thank you so much for all the love, guys, and thank you so much for giving so much love to Bhuj trailer, and it's releasing on 13th August. Almost near to my birthday. So thank you so much for all the love, and I promise you in future also I'm gonna try to give you different characters and different variations, and I thank you so much again. Thank you. Thank you.